हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे कल के और आज के हरियाणा करंट अफेयर के बारे में। कल हमारी जो हरियाणा करंट अफेयर की क्लास है वो नहीं हो पाई थी, तो आज की क्लास में ही मैंने दोनों डेज का जो करंट अफेयर है उसको कवर कर दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है 17 सितंबर को मोदी जी के जन्म दिवस पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है, तो उस पुस्तक का क्या नाम है और उसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे हरियाणा में जो हमारे सीएम है उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया और इसका नाम है मोदी @20। तो ये पुस्तक का नाम है, क्या है ये? मोदी @20 है इस पुस्तक का नाम। ठीक है, और इसके साथ साथ बहुत सारे अभियान भी चलाए जा रहे हैं। मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी बताया था कि 17 सितंबर को क्या होगा, इस दिन से जो ब्लड डोनेशन कैंप है उसका हर जिले में क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। मतलब जितने भी हमारे यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र है उन सभी में ब्लड डोनेशन कैंप का क्या होगा, आयोजन होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर सबसे पहले दिन यानी कि जन्म दिवस पर, 72वें जन्म दिवस पर मोदी @20 का पुस्तक का विमोचन किया गया। और इसके साथ साथ जो अमृत सरोवर योजना है, क्या है? अमृत सरोवर। मैंने आपको बताया था अमृत सरोवर भी हमारे यहाँ पर बनाए गए हैं, जो आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखकर अलग अलग एरिया में क्या बनाए गए थे, अमृत सरोवर। ठीक है, और जितने भी सरोवर थे उन्हें क्या नाम दिया गया, अमृत सरोवर नाम दिया गया था। तो अमृत सरोवर, तो अमृत सरोवर योजना के तहत यहाँ पर क्या किया जाएगा, स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जितने भी सरोवर है उनकी सफाई की जाएगी, है ना। और यहाँ पर जो 21 से 23 सितंबर तक जितने भी जो जल संरक्षण है यानी कि वाटर कंजर्वेशन है, पानी को बचाव के लिए काम किया जाएगा। जहां पर भी खुला नल वगैरह, खुले पानी दिखाई देगा वहां पर क्या लगाई जाएंगी, टूटियां लगाई जाएंगी। ठीक है, और इसको एक अभियान है जिसे क्या नाम दिया गया, कैच द रेन। क्या नाम दिया गया है? कैच द रेन। तो ये अभियान भी हमारी हरियाणा सरकार के द्वारा ही चलाया जाएगा। तो इसमें तीन चीजें हमने पढ़ ली हैं। 17 सितंबर को क्या हुआ, एक तो ब्लड डोनेशन कैंप लगा था पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था, एक पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसका नाम क्या है, मोदी @20। ठीक है, इसके बाद अमृत सरोवर योजना के तहत जितने भी तालाब है उनकी सफाई का अभियान चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, 21 से 23 सितंबर तक यहाँ पर जो जल है उसका संरक्षण किया जाएगा, वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम होगा ताकि जल का क्या किया जा सके, बचाव किया जा सके। ठीक है, और जहां पर भी इनको खुला पानी दिखाई देगा यहाँ या ऐसा लगेगा कि यहाँ पर पानी वेस्ट हो रहा है तो वहां क्या लगाई जाएंगी, टुंटियां लगाई जाएंगी। ठीक है, आई होप ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने लिखा है हरियाणा में थैलीसीमिया, ये थैलीसीमिया क्या होती है, एक बीमारी होती है। तो हरियाणा में थैलीसीमिया से ग्रस्त लोगों को कितनी पेंशन मिलेगी? हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में गुरुग्राम में जब 17 सितंबर को क्या मनाई है, विश्वकर्मा डे मनाया, क्या मनाया है, विश्वकर्मा डे, है ना, कहां पर मनाया गया है, गुरुग्राम में। कहां मनाया है, गुरुग्राम में। तो वहीं पर जो हमारी हरियाणा सरकार है उसके द्वारा कहा गया है कि जो विश्वकर्मा डे है इसके उपलक्ष्य, तो जो हमारी हरियाणा सरकार है उसने ये अनाउंस किया है, गुरुग्राम में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी जब श्रमिक डे भी तभी मनाया गया था। और इस दिन कहा गया था कि जो थैलीसीमिया से पीड़ित लोग हैं उन्हें पेंशन दी जाएगी, मतलब हर महीने क्या मिलेगी, पेंशन। जिस तरीके से हमारे हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन मिलती है ना, उसी तरीके से जो हमारी हरियाणा सरकार है वो थैलीसीमिया से ग्रस्त व्यक्तियों को क्या देगी, 2500 रुपए पर मंथ क्या देगी, सैलरी देगी, यानी कि पेंशन देगी। हाँ, ठीक है। तो ये जो थैलीसीमिया होती है, थैलीसीमिया जो बीमारी है क्या है, ये ब्लड से रिलेटेड बीमारी होती है। और इसमें जो जिस व्यक्ति को ये बीमारी होती है ना, उस व्यक्ति का जो ब्लड है ना वो मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद में या कुछ कुछ दिनों के बाद में उसको चेंज करना पड़ता है, ब्लड को ये क्या करना पड़ता है, इसमें चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा भी आता है। तो ऐसा भी कहा है हरियाणा सरकार ने कि इनके लिए जो टेस्टिंग वगैरह होगी तो वो भी जो हरियाणा सरकार है वो मुफ्त कर देगी, यानी कि इनकी जो बीमारी है उसके लिए जो टेस्टिंग होगी वो मुफ्त होगी और इनको पेंशन भी मिलेगी। कितनी पेंशन दी जाएगी, 2500 रुपए पेंशन मिलेगी, क्योंकि ये जो बीमारी है ना इसका जो इलाज है वो बहुत ही ज्यादा महंगा, चढ़ाना है किसी को और वो खरीदने जाता है तो कितना महंगा पड़ता है ना। तो इसीलिए इनकी जो मतलब जो ट्रीटमेंट है वो क्या कर दिया है, फ्री कर दिया है। इसके बाद है, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो मैंने इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि कनाडा में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है ना। मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था 16 से 19 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा,
कनाडा में। तो यहाँ पर कनाडा की जो संसद है ना, संसद का होगी इसकी कैपिटल में, इसकी कैपिटल क्या है, ओटावा। तो अभी हाल ही में ओटावा की संसद में हमारा कौन सा धार्मिक ग्रंथ रखा गया है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर किस चीज का आयोजन हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का यहाँ पर आयोजन हो रहा है और यहाँ पर कौन सा धार्मिक ग्रंथ रखा गया है, हमारी जो गीता है ना, श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है। तो गीता को कहाँ रखा गया है, इनकी संसद में, संसद का जो पुस्तकालय है वहां पर रखा गया है, ठीक है। तो ओटावा की संसद की जो पुस्तकालय है वहां पर किसे रखा गया, हमारे धार्मिक ग्रंथ गीता को रखा गया है। 16 से 19 सितंबर तक क्या हो रहा है, यहाँ पर गीता महोत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ पर कौन कौन अतिथि के रूप में गए हुए हैं, जो हिसार से है ना, हिसार से जो MLA है जिनका नाम है डॉक्टर कमल गुप्ता और वो मंत्री भी है, तो कमल गुप्ता यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि कमल गुप्ता यहाँ गए हुए हैं, ठीक है। कमल गुप्ता के साथ में जो पहले क्या थे, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष थे, जिनका नाम क्या था, सुभाष बराला, तो सुभाष बराला भी यहाँ पर गए, प्रेजेंट है। और स्वामी ज्ञानानंद जी, और कौन गए यहाँ पर, स्वामी ज्ञानानंद जी गए हैं, ठीक है। तो ये तीन लोग यहाँ पर गए हुए, इनके साथ में और भी बहुत सारे मेंबर्स गए हैं, ठीक है, पर जो मेन है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ओटावा की जो संसद की पुस्तकालय है वहां पर हमारा धार्मिक ग्रंथ गीता रखा गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे गीता की इंटरनेशनल स्तर पर भी कितनी वैल्यू है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में हिंदी साहित्य साधना में बाबू बाल मुकुंद गुप्त, क्या लिखा है मैंने, बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार किसे मिला है, ठीक है। तो हरियाणा में भी हाल ही में मैंने आपको बताया था हिंदी दिवस भी मनाया गया, ठीक है, और हिंदी दिवस पर क्या किया गया था, बहुत सारे पुरस्कार बांटे गए थे, है ना। मैंने आपको बताया था अंबाला में भी आयोजन किया गया था जिसमें 3 पत्रकारों को अवार्ड दिया गया, और हिंदी हिंदी के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि हिंदी दिवस के उपलक्ष में हमारी जो हरियाणा साहित्य अकेडमी है इसने क्या किया, पुरस्कार साहित्य है, हिंदी साहित्य है उसकी बुक भी जो रिकॉर्ड कर रही है हमारी हरियाणा साहित्य अकादमी, और साथ साथ इसने पिछले साल अपना यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया था। तो मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे, है ना, जो हिंदी साहित्य, हिंदी दिवस के मेन पॉइंट से जरूरी थे और आपके हरियाणा करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है हरियाणा राज्य में हिंदी साहित्य साधना में बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दो लोगों को मिला है, क्या नाम है इसका, बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार। एक है इनका नाम है कृष्ण लता यादव और एक है कमलेश मलिक, तो दो लोगों को क्या दिया गया है इसमें, बाल मुकुंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो कृष्ण लता यादव है ये गुरुग्राम जिले की रहने वाली है और कमलेश मलिक कहाँ के रहने वाले हैं, सोनीपत के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रख लेना है। मैंने लिखा है हरियाणा राज्य में प्रचलन से बाहर हो चुके पुराने कितने कानूनों को खत्म किया गया है, अब इसका मतलब क्या है, ये मैंने लिखा है जो प्रचलन से बाहर हो चुके, यानी कि ऐसे कानून जो अब क्या है यूज में नहीं है, बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं, तो ऐसे कितने कानून है जिसको हमारी हरियाणा सरकार ने क्या किया है, खत्म कर दिया है, ठीक है। तो इस ऐसे कितने कानून है, टोटल 36 कानून है जिसको हरियाणा सरकार ने क्या किया है, खत्म करने का निर्णय लिया है। इसमें से 6 कानून है जिसमें क्या किया हरियाणा सरकार ने, संशोधन किया है, यानी कि कुछ ना कुछ चेंजेस किया है। अमेंडमेंट हम किस लिए करते हैं, ताकि उसमें कुछ चेंजेस लाया जा सके। तो अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल से होता है, मैंने आपको बताया भी हुआ है, आर्टिकल 368 जो है उससे क्या होता है, हमारे संविधान में हम क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्योंकि समय समय के अनुसार हमें चेंजेस की जरूरत पड़ती है ना, तो चेंजेस की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं उसमें, अमेंडमेंट कर देते हैं। तो अब तक हमारे जो संविधान है उसमें 100 से ज्यादा बार तक क्या किया जा चुका है, अमेंडमेंट किया जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में पशु एम्बुलेंस का कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, तो पशुओं के लिए जो एम्बुलेंस होती है उसका जो कंट्रोल रूम है जहां से काम चलेगा, तो वो कहां पर बनाया जाएगा, ये आपका बनाया जाएगा पंचकुला में, ठीक है। और पंचकुला में ये कितने, इसके इसको बनाने में कितनी लागत आएगी, तो 11.20 करोड़ की लागत इसे बनाने में आएगी और 70 पशु एम्बुलेंस कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे, कितने बनेंगे, 70, ठीक है। तो इसके लिए जो एम्बुलेंस का जो नंबर है ना वो क्या है, 1962, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्या नंबर है इसका, 1962। तो इसके लिए जो एम्बुलेंस का नंबर है वो कितना है, 1962 है। आई होप ये पॉइंट्स जो आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने सबसे पहले ऊपर लिखा है 17 सितंबर को मोदी जी के जन्म दिवस पर कौन सी पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो Modi@20, और इसी अवसर पर अमृत सरोवर जो होते हैं उनकी सफाई का अभियान चलेगा, रेन कैच द रेन वॉटर, है ना। तो ये सारे जिस तरीके के जितने भी अभियान है ये
इसी दिन चलाए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हरियाणा में थैलीसीमिया से ग्रस्त लोगों को कितनी पेंशन मिलेगी? तो थैलीसीमिया एक बीमारी होती है जिसमें जो ब्लड है वो बार बार चेंज करना पड़ता है, तो इसके लिए हरियाणा सरकार 2500 रुपए की क्या दे रही है, पेंशन दे रही है। जिस प्रकार हमारे हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन दी जाती है ना, विधवा पेंशन दी जाती है, और एड्स के जो रोगी है उन्हें भी 2500 रुपए पेंशन मिलते हैं, तो उसी तरीके से थैलीसीमिया से पीड़ित व्यक्तियों को भी क्या मिलेगी, 2500 पेंशन मिलेगी। ओटावा की संसद में हमारा कौन सा धार्मिक ग्रंथ रखा गया है? ये संसद की पुस्तकालय में रखा गया है, हमारी गीता को रखा गया है, ठीक है। इसके बाद हरियाणा राज्य में हिंदी साहित्य साधना में बाबू बाल मुकुंद पुरस्कार जो है वो 2 लोगों को दिया गया है, उसमें से एक है कृष्णलता यादव और एक का नाम है कमलेश मलिक, ठीक है। क्या नाम है इनका? कृष्णलता यादव और एक है कमलेश मलिक। इसके बाद हरियाणा राज्य में प्रचलन से बाहर हो चुके कितने पुराने कानूनों को खत्म कर दिया गया है? तो 36 कानून ऐसे हैं जिसे हरियाणा सरकार ने क्या किया है, खत्म कर दिया है, और साथ साथ 6 क्या किए गए हैं उसमें, अमेंडमेंट किए गए, यानी कि चेंज किया गया कुछ ना कुछ। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में पशु एम्बुलेंस का कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर होगा आपके? ये होगा पंचकुला में, ठीक है। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। हरियाणा के किस जिले की जेल में राज्य का पहला हारमोनियम कॉल ब्लॉकिंग सेंटर जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है। अब ये कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम क्या है, मतलब जैसे आप जेल होती है, जेलों में क्या होता है, नेटवर्क वगैरह होता है जिससे वो क्या करते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं या कहीं चले जाते हैं, मतलब धोखाधड़ी से फोन यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हरियाणा सरकार जो वो क्या कर रही है, कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम डेवलप कर रही है जिसके थ्रू जो जेल है वहां पर क्या नहीं हो सकेगा, नेटवर्क नहीं होगा, ठीक है। तो ये कौन सी जेल में शुरू किया गया है? हरियाणा की अंबाला जेल में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कहां पर शुरू किया गया ब्लॉकिंग सिस्टम, अंबाला जेल में। और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। कोविड स्पेशल जो जेल है वो कौन सी बनाई गई थी? रेवाड़ी की। इसके साथ एक पॉइंट मैं आपको और बताती हूँ कि हरियाणा में एक ऐसी जेल थी जो क्या दे रही थी, कैदियों को खेलों का प्रशिक्षण, ठीक है। तो कैदियों को खेलों का प्रशिक्षण देने वाली जेल कौन सी है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, अगर किसी को याद है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ठीक है। तो कैदियों को खेलों का प्रशिक्षण देने वाली जेल कौन सी थी, मैं यहाँ पर आंसर बताई देती हूँ, कौन सी थी? कुरुक्षेत्र जेल, ठीक है। और कोविड स्पेशल जेल कौन सी बनाई गई थी? रेवाड़ी की। इसके अलावा जो हमारे ये जो जेल है, जेलों के जो महानिदेशक है वो कौन है, मतलब डीजीपी है, जिनका नाम है मोहम्मद अकील। क्या नाम है इनका? मोहम्मद अकील, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। तो कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम कहाँ पर शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है अंबाला में, ठीक है। और ये कैदियों को खेलों का प्रशिक्षण देने वाली जेल कुरुक्षेत्र, कोविड स्पेशल जेल कौन सी है? रेवाड़ी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। हरियाणा के खिलाड़ी आदिति रघुवंशी ने लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप, ठीक है। तो कौन सी गेम्स है ये? कॉमनवेल्थ कराटे की है, कराटे चैंपियनशिप है, उसमें कौन सा पदक जीता है? तो ये कौन, क्या नाम है इनका? आदिति रघुवंशी का। इसमें इन्होंने जीता है कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। ये कहाँ की रहने वाली है? यमुनानगर की। कहाँ की है? यमुनानगर के बूढ़िया की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? यमुनानगर के बूढ़िया की, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। यमुनानगर के बूढ़िया में क्या है? बूढ़िया का रंग महल है, जो किसके लिए बनवाया गया था? बीरबल के लिए। मैंने आपको जब यमुनानगर जिला पढ़ाया तो पूरा कंप्लीट बताया भी था, ठीक है। क्योंकि बीरबल क्या करते थे, यहाँ पर आया करते थे और रेस्ट करने के लिए उन्हें जगह की जरूरत होती थी, तो इन्होंने शहर से दूर जंगलों में बुढ़िया के रंग महल का निर्माण करवा दिया, ठीक है, जिसे आज हम क्या जानते हैं, बीरबल का रंग महल या फिर बुढ़िया के रंग महल से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के सर्वे के अनुसार नू सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला यानी कि ग्रोथ करने वाले जिलों में कौन से स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कौन सा जिला तीसरे स्थान पर है? नू जिला। वैसे पहले 2018 के आंकड़ों के अनुसार जो नू जिला है वो बहुत मतलब पिछड़ा हुआ था, मतलब पहले जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी पूरे सभी जिलों में से बेकार जिला की जो श्रेणी में आया था वो कौन सा था? आपका मेवात जिला था। परंतु हमारी जो सरकार है उसने यहाँ पर बहुत अधिक काम किया, जैसे इजराइल है ना, इजराइल की सहायता से यहाँ पर क्या, इंडो इजराइल पद्धति से यहाँ पर कृषि को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। जल संसाधनों का प्रयोग अच्छे से किया गया, लिंगानुपात तो वैसे भी यहाँ का बेस्ट है, शिक्षा की तरफ काम किया गया और यहाँ पर रेलवे लाइन लाई गई है ना, तो ये सब इन सब चीजों से क्या हो गया, जो मेवात जिला है इसका डेवलपमेंट जो है वो बढ़ गया है। तो अब ये ग्रोथ करने वाले कितने जिलों में, मतलब सुधार करने वाले जिलों में कौन से स्थान पर आता है? तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो ये सर्वे के अनुसार कौन से स्थान पर आया नू जिला? तीसरे स्थान। मैंने आपको बताया था कि विश्वकर्मा डे जो है वो श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और कहाँ पर मनाया गया? वो गुरुग्राम में मनाया गया। तो हमारे हरियाणा के जो सीएम है उनके द्वारा कुछ घोषणाएं की गई हैं, उन घोषणाओं में से मैंने कुछ यहाँ पर लिख दिया है,
कि जो ये श्रमिक है ना, जैसे कुछ श्रमिक क्या होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, असंगठित होते हैं, जैसे मजदूर है ना, तो अलग अलग जगह पर काम करते हैं, ये संगठित तो नहीं होते हैं। तो ये जो श्रमिक है इनको सौगात दी गई है। तो असंगठित क्षेत्रों में जो श्रमिक काम कर रहे हैं, अब मान लो काम करते हुए किसी की आकस्मिक मौत हो जाती है, तो उसके लिए सरकार क्या देगी, उसकी मौत पर 4 लाख रुपए देगी। कितनी देगी? 4 लाख रुपए की जो राशि है वो दी जाएगी। इसके साथ साथ जो उनके बबच्चे हैं, अगर दिव्यांग बच्चे हैं, तो उन्हें क्या देगी, 3000 रुपए पेंशन दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर 44 मोबाइल मेडिकल वैन के लिए स्थापित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो श्रमिक है उनकी जो मतलब तो श्रमिकों के विकास के लिए या उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। और ये घोषणाएं कहाँ पर की गई है, गुरुग्राम में विश्वकर्मा डे पर। और उसी दिन क्या मनाती है हमारी हरियाणा सरकार, श्रमिक दिवस मनाती है। इसके बाद है हरियाणा में जो बोना भत्ता योजना है। अभी मैंने थैलीसीमिया योजना बताई थी, थैलीसीमिया पर क्या देती है हमारी हरियाणा सरकार, 2500 रुपए पेंशन देती है। उसी प्रकार अगर किसी की हाइट कम होती है तो हमारी हरियाणा सरकार क्या देती है, बोना भत्ता पेंशन देती है, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि आप और हम चले जाएंगे, क्योंकि हमारी हाइट भी, मेरी हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो कभी आप सोचे कि मैं भी जाकर पेंशन ले आऊं। तो यहाँ पर क्या है, हरियाणा बोना भत्ता योजना है ना। तो ये इनकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, इनकी जो हाइट है वो 3 फीट 8 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर 3 फीट 8 इंच से ज्यादा हाइट है तो इन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी। और इसके लिए जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए इनकी, 18 वर्ष होनी चाहिए। और जो मतलब ये जो व्यक्ति है वो कहाँ का होना चाहिए, हरियाणा का ही होना चाहिए, ठीक है। और जो इनकी आय है, मतलब जो इनकी सालाना आय है, वो 2 लाख से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए जो पेंशन है वो पहले अभी कितनी मिलती थी, 2250। जिस तरीके से बाकी पेंशन बढ़ रही है ना, जैसे बुढ़ापा पेंशन है 2500 हो गई है, तो ये पेंशन भी क्या है, मतलब समय समय पर बढ़ जाती है। जैसे बुढ़ापा पेंशन है उसी तरीके से ये पेंशन दी जा रही है। और ये कौन दे रही है, हमारी हरियाणा सरकार दे रही है, ठीक है। इस जिले की जेल में राज्य का पहला हारमोनियम ब्लॉकिंग सिस्टम बनाया गया है, कॉल सिस्टम, ठीक है। तो कहाँ पर बनाया गया है, ये अंबाला में। इसके बाद है कोविड स्पेशल जेल कौन सी थी, रेवाड़ी थी। और जो कुरुक्षेत्र जेल है वो क्या थी, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाली हरियाणा की जेल थी, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा कैदियों को खेलों का प्रशिक्षण देने वाली जेल कौन सी थी, कुरुक्षेत्र की जेल थी। इसके बाद हरियाणा के खिलाड़ी आदिति रघुवंशी ने लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। और कहाँ की रहने वाली है, यमुनानगर के बूढ़िया की रहने वाली है। इसके बाद 2022 के सर्वे के अनुसार नूह क्या बन गया, सबसे अधिक तेज गति से सुधार करने वाला हरियाणा का तीसरा जिला बन गया, मतलब तीसरे, सभी जिलों में कितने स्थान पर आया, तीसरे स्थान पर आया है, ठीक है। और इसके बाद श्रमिकों को सौगात संगठित क्या क्या, इसके बाद श्रमिकों को जो मतलब सुविधाएं दी गई हैं उनमें क्या है, सबसे पहले असंगठित श्रमिक की जो आकस्मिक मौत हो जाती है उस पर हरियाणा सरकार 4 लाख रुपए की राशि दे रही है। इसके साथ साथ जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें 3000 रुपए पेंशन दी जाएगी। 44 मोबाइल मेडिकल वैन स्थापित की जाएगी उनके लिए। इसके बाद हरियाणा बोना भत्ता जो योजना है इसमें 2250 पहले पेंशन थी, 2500 है। 3 फीट 8 इंच से हाइट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इनकी आयु 18 वर्ष से मतलब कम नहीं होनी चाहिए, जो मतलब जिन्हें ये पेंशन लेनी है, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स है वो मैंने आपको करा दिया। आई होप आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप इसी तरीके से हमारी और क्लासेस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।